इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में बांद्रा ईस्ट में शिवसेना की शाखा पर बीएमसी का बुलडोजर चलाया। आपको बता दें, अनधिकृत शाखा बताकर बीएमसी उस पर कार्रवाई कर रही है। बीएमसी का कहना है कि शाखा गैर कानूनी है, जिसके बाद वहां विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, बीएमसी ने शाखा पर बुलडोजर चला दिया है। देखिए तस्वीरें, और शिवसेना प्रवक्ता यानी यूबीटी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। तो कंडक्ट ऑफ कोर्ट झालेला आहे आता बोला हे लॉ ऑर्डर नाही का, टू प्रोसेस ऑफ लॉ नाही का, जे त्याचा स्टे आहे, स्टे पेपर दिखा। मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी जानबूझकर हमारी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। जिस प्रकार बांद्रा पूर्व में हमारी पार्टी के शाखा को यह कहकर तोड़ दिया गया कि यह अनधिकृत है, आप बताइए कि जिस पार्टी में, जिस शाखा में लोग अपनी जरूरत के समस्याओं को लेकर आते हैं, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए वहां पर आते हैं, वहां पर बहुत सारे अखबारों के मुखपत्र रखे जाते हैं, लोग उन्हें बैठकर पढ़ते हैं, ऐसी शाखाओं को जानबूझकर टारगेट करके तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि मुंबई में बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज होती रहती है, बहुत सारे अनधिकृत निर्माण होते रहते हैं, कभी उस पर बीएमसी का बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन चूंकि अब शिवसेना को टारगेट में ले लिया गया है, उन्होंने एक जानबूझकर रणनीति बनाई है कि हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे प्रताड़ित किया जाए, हमारे शाखाओं को तोड़ दिया जाए, और बाकी जो उनके पार्टी के कार्यालय है, जो बीजेपी की पार्टी के नेता लोग हैं, अगर उन्होंने कोई इलीगल ऑफिस बनाया है तो उसे नहीं तोड़ेंगे। कमाल है। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हित संपर्क करें 8847744777।